पिछले काफी दिनों से चल रहे किसानों के धरने ने अब केंद्र सरकार के खिलाफ नया रूप अपना लिया है। वे अलग अलग ढंग से रोष प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। आज ऐसा ही कुछ देखने को मिला जिला पठानकोट अमृतसर नेशनल हाईवे पर पड़ते लदपालवा टोल प्लाजा पर, जहां किसानों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलग अलग पुतले बना उनके गले में जूतों की माला डाल टोल प्लाजा पर लगे पिलरों के साथ बांध दिया और तो और पुतले पर जूतों की बारिश कर दी और मोदी सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाते रहे, जिसके बाद आग के हवाले कर दिया गया। इस मौके किसानों ने कहा है कि जब तक मोदी सरकार अपने काले कानून, जो कि किसानों के हक में नहीं है, उसे वापस नहीं लेती, तब तक किसान मोदी सरकार का ऐसे ही विरोध करते रहेगी। अज बखो बख किसान जथेबंदियों नालों एक मंच ते एक झंडे थले आ के जिहड़ा पिछले काफ़ी दिनों तो जिहड़ा संघर्ष है, जिहड़े तीन काले कानून मोदी सरकार ने जिहड़े ने ओह पास कीते ने, उन्हां दे खिलाफ़ चल रहा। और तुसीं देखो कि मोदी सरकार ने बड़ी गिणी मिथी शाजत दे तहत किसान जथेबंदियों नूं बिना किसी क्लीयर किए गलों के सद्दा दिता और किसान जथेबंधियां पंजाब दी जिहड़ियां देश दा हित जाण दी जिहड़ी पंजाब जिहड़ा पूरे देश दा अन्नदाता, उन्होंने बिना किसी शर्त दे उन्हां दे सद्दे नूं प्रवान किया। उस सद्दे नूं प्रवान करके उन्होंने नाल मीटिंग जिहड़ी आ ओह करन दे लई जिहड़ा ना अपनी सहमति दी, सहमति मुताबक किसान जथेबंधियां गईआं। और तुसीं देखो किड्डी माड़ी जिहड़ी हैगी है सोच मोदी सरकार दी कि कृषि मंत्री उस मीटिंग दे विच नहीं आया। जिहड़े तोमर साहब ने उन्होंने वाजिब नहीं समझिया किसानां दे नाल मीटिंग करना, एक सकत्तर लैवल दे अधिकारी दे नाल इन्हां दी मीटिंग कराई। उस मीटिंग जिहड़ी ओह बेनतीजा निकली, उस मीटिंग जिहड़ी बेनतीजा निकलण दा कारण है ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਇਹ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਡਿਗਾ ਲਓਗੇ, ਇਹ ਡਿੱਗੂਗਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦਿਨ ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਰਾਤ ਚੌਗੜਾ ਹੋਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। Once you visit this campus, your all queries regarding admission shall be fulfilled. Do visit us before seeking admission anyway.